झारखंड में धूम मचाने के बाद पवन सिंह की तेरे जैसा यार कहां आज मुंबई में रिलीज हुई है और इस फिल्मी फ्राइडे पर हम मुंबई के नौरंग सिनेमा पर पहुंचे हैं जहां पर भोजपुरिया दर्शक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन भोजपुरिया दर्शकों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पवन सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म तेरे जैसा यार कहां उन्हें कितनी पसंद आई, फिल्म में काजल राघवानी का काम कितना पसंद किया गया, जबकि नए एक्टर आकाश सिंह के किरदार को लोगों ने कितना पसंद किया। इन सवालों के जवाब चलिए सीधे मुंबई के दर्शकों से जानने की कोशिश करते हैं। एकदम अच्छी पिक्चर, अच्छी पिक्चर थी। हाँ पिक्चर भाई फिर दोबारा देखने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी पिक्चर है। एक पिक्चर एक नंबर सुपर हिट है भाई। क्या अच्छा लगा सबसे? इसमें खूबसूरत सब कुछ अच्छी है, डायरेक्शन भी है, सब कुछ अच्छा है। हीरो ने बहुत टाप गाई रहे, काजल राघवानी और एक को नाम ही नहीं दिया। कुत्ते की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। यस हाँ है, अच्छा है पिक्चर, उसका भी एक्टिंग अच्छी लगी। फाइट भी अच्छा किया, गाना सही है, आकाश का भी बॉडी सही है, हीरो सही है। पवन सिंह तो एकदम टॉप के हीरो है, उसकी बात ही छोड़ दो। और काजल राघवानी भी उसके साथ बहुत अच्छा जमा, गाना जो है इतना कोई अच्छा खास नहीं लगा, पर पिक्चर अच्छी है, कहानी डायलॉग भी अच्छी है, अच्छी थी। क्या अच्छा था? कहानी अच्छी? हाँ कहानी भी अच्छी थी, गाना भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छी लगी मेरे को। फिल्म पवन की निकली लवारिस के बाद वेरी गुड, अच्छी फिल्म निकली। क्या अच्छा? इसका डायलॉग ऐसा जो गीत थे जैसा लिया कहा, ये गीत हमें बहुत डायलॉग अच्छा लगा। पिक्चर दिखने में भी अच्छा लगा, पवन सिंह का पूरा स्टार, गाना भी ठीक था, कहानी भी ठीक था, मार धर भी ठीक था, बढ़िया था। थैंक यू। पिक्चर देखा है? हाँ। कैसी लगी पिक्चर बता दो मुझे। हाँ कैसी लगी पिक्चर? अच्छी लगी, अच्छी लगी, बहुत बढ़िया है। क्या अच्छा लगा? अच्छा बहुत, कहानी अच्छा है, कहानी अच्छा है। हाँ। कौन सी की एक्टिंग? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और हीरोइन? हीरोइन भी सही है, चलेगी। वो थोड़ा रमजान की वजह से कम हो रहा, नहीं तो बहुत चलता। तो आपने सुना कि आखिर मुंबई के दर्शकों को कैसी लगी पवन सिंह की तेरे जैसा यार कहां, एक दिल को छू जाने वाली कहानी। कई लोगों को गाने पसंद आए, लेकिन यहाँ कई दर्शक ऐसे भी थे जिन्हें फिल्म का नाम तक पता नहीं था। पूरी फिल्म देखने के बाद उन्हें ये तक समझ में नहीं आया कि फिल्म में आखिर लीड एक्टर कौन था। आप समझ सकते हैं ऐसे दर्शकों ने फिल्म को क्या समझा होगा और फिल्म के बारे में वो क्या रिव्यूज देंगे। खैर, मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।